दुनिया की महान वैज्ञानिकों की जब मृत्यु हुई तब धोखेबाज लोगों ने उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की। महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बार दिमाग ही चोरी हो गया था। जी हाँ दोस्तों, पर कैसे आप अभी ये सोच रहे होंगे, तो आइए हम जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। तो दरअसल अल्बर्ट आइंस्टाइन यूएसए के प्रिंसटन हॉस्पिटल में अपनी कुछ आखिरी सांसें ले रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कोई भी चीज का शरीर पर रिसर्च नहीं करेंगे। पर डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके ब्रेन का चोरी कर लिया और उसके बाद ब्रेन का 200 टुकड़े में काट कर अलग अलग वैज्ञानिकों के पास भेजा गया, ताकि पता लगा सके कि आखिर इनके दिमाग में वो खास चीजें क्या है कि जिसके वजह से इनका दिमाग इतना तेज चलता है। तब जाकर डॉक्टर थॉमस हार्वे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और वो पकड़े गए और उनके अपने जॉब से हाथ धोना पड़ गया, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करने का परमिशन किसी को नहीं मिला था। लेकिन बाद में उनके बेटे ने बाद में रिसर्च करने का परमिशन दे दिया, तो उनका ब्रेन का 30 सालों तक अध्ययन किया गया। तब जाके पता चला कि इनका दिमाग का वजन 1230 ग्राम का है, जो कि एक आम व्यक्ति का दिमाग के मुकाबले बहुत ही बड़ा है।